हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग मोस्टली साइन 90, साइन 60, साइन 45, साइन 30, साइन 0 डिग्री के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि साइन 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 क्यों रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले हमें मालूम है कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो होता है। ओके, मतलब अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करें तो साइन थीटा आएगा, राइट? तो साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पर ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। ये हमारे पास अक्यूट एंगल है, सपोज कि ये थीटा है और ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा आएगा। तो अगर हम लोग ये जो थीटा अक्यूट एंगल है इसको थोड़ा सा कम कर दे, सपोज कि इस पॉइंट को हम यहां पर राइट कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, एक न्यू ट्रायंगल बन जाएगा और उसका हाइपोटेनस ये वाला रहेगा। मतलब इस एंगल को हमने रिड्यूस कर दिया और ये हमारे पास नया एंगल आ गया, राइट? तो अब यहां पर क्या हुआ, हाइपोटेनस की वैल्यू पहले की बजाय कम हो गई, यानी हाइपोटेनस की लेंथ इस केस में इस ट्रायंगल में कम हो रही है। यहां पर अगर मैं न्यू पॉइंट लेता हूं तो हाइपोटेनस मेरे पास और कम हो जाएगा और ये वाला एंगल सपोज की थीटा 2, ठीक है, एंगल बढ़ रहा है, ये वाला एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये बढ़ रहा है और हाइपोटेनस इसका रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, यहां पर न्यू पॉइंट लिया और यहां पर मेरे पास ये सपोज की थीटा 3 आ गया, तो क्या हो रहा है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक है, ये हाइपोटेनस H1, H2, H3, ये वाला H4 लगा लो। जब ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक। और उस केस में ये वाला थीटा हमारे पास क्या हुआ, ये वाला थीटा बन जाएगा 90 डिग्री और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर सेम रहेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होने का मीनिंग है कि हम उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने काफी सिंपलेस्ट वे से साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है। ओके, तो चलिए, साइन थीटा की वैल्यू 1 क्यों होती है इसके बारे में मैंने डिस्कस की है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।